दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 2.5 साल में प्रदेश सरकार ने आम आदमी के हित के लिए नियमित कार्य किया है और कोरोना के समय में भी समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को धुन विधानसभा क्षेत्र के 208 करोड़ के विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि धुन में लोक निर्माण विभाग द्वारा 92.24 करोड़ रुपए तथा जल शक्ति विभाग द्वारा लगभग 61 करोड़ रुपए के कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बद्दी शहर के लिए 33.34 करोड़ रुपए की मल निकासी योजना का कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। एक बहुत आवश्यक था, उसको पूरा बहुत बधाई देता हूं। जैसे माननीय विधायक महोदय जी कह रहे थे कि ये इलाका ऐसा था जो बरसात के मौसम में कट में, अब की बरसात में मुझे लगता है कि अब इस प्रकार की कठिनाई नहीं रहेगी, ऐसा इस पुल के उद्घाटन के पश्चात मैं कह सकता हूं। और उसी प्रकार से आगे एक हमारा जो है छोटा एक पुल जो है 1,47,00,000 लगभग 1.5 करोड़ की लागत से बनवीरपुर खड पर जो बना, उसके लिए भी उसका हमने शिलान्यास किया है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। लगभग 9,75,00,000 रुपए की राशि हमने स्वीकृत की है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उसी प्रकार से आगे बढ़कर के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो है शारदी घाट 15,78,00,000 की लागत से बनकर साई रामशहर सड़क का रामशहर दूसरा फेज है। ये शिलान्यास के 3 करोड़ के हमारे आज उद्घाटन के कार्यक्रम हुए। लोग जो है 200 विधायक जी ने भी किया। अगर हिमाचल प्रदेश में आना तो कहीं अगर रुकना है, ऐसा नहीं कि सुबह आया शाम को चला गया, अगर टूरिस्ट, इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर के बहुत बातें कहने का मन हुए हमको। मुख्यमंत्री कार्यालय अभी कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ा है कार्यक्रम, आपका ये कार्यक्रम घर से बैठ करके कर रहे हैं, अपने निवास से कर रहे हैं, लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन और ज्यादा बढ़ने की संभावना है, इसलिए और ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है। आप सावधानियां बरतें, यह मेरा आप सबसे निवेदन है। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, जिस प्रकार से आप लोगों ने आपने पीएम केयर फंड में, सीएम कोविड फंड, बहुत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, क्योंकि आज मैं योजनाओं का जिक्र करना छोड़ रहा हूं, इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि जब आपके बहुत सारी बातें, बहुत सारे रूबरू हो रहे हैं, उनको बधाई और बधाई के साथ साथ शुभकामनाएं, और शुभकामनाओं के साथ साथ सीधे जुड़ेंगे, सीधे बात करेंगे, सीधी बात करने के साथ आपके क्षेत्र के लिए जो भी चीजें करने की। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बीवीएन से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है, इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन। हिम एग्रो केमिकल्स एंड न्यूट्रिएंट्स डील्स इन ऑल काइंड ऑफ पावर टिलर, पावर स्प्रेयर्स, ट्रैक्टर, पेस्टिसाइड एटसेट्रा। एड्रेस कृष्णा भवन विलेज शांति, राजगढ़ रोड सोलन। कॉन्टैक्ट 9418083258262912345।